हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नीति आयोग, तो प्लानिंग कमीशन क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब बना, कैसे बना, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स के हम जनरली सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्लास 10th RBSE बोर्ड के जितने भी हैं। और अगर आपको कोई सा भी लेक्चर देखना है तो आप जस्ट टॉपिक का नाम डालें और यूट्यूब पर सर्च करें, लकी एजुकेशन साइड में डाल दें, तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। हालांकि अभी पूरे लेक्चर डले नहीं है, शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है सेपरेटली क्लास 10th इकोनॉमिक्स की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। बाकी ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं है ओनली फॉर क्लास 10th। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर, प्लानिंग कमीशन। तो पहले मैं आपको बता दूं प्लानिंग कमीशन क्या है। एक्चुअली हमारे देश में जो प्लानिंग के लिए, देखो प्लानिंग का मतलब है किसी चीज़ की योजना बनाना, ठीक है, इसको योजना आयोग भी बोलते हैं हिंदी में। तो प्लानिंग कमीशन को बनाया किस लिए गया था कि हमारा देश आपको पता है 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, किससे, ब्रिटेन से। तो उसके बाद एक नीड महसूस हुई कि भाई देश में कुछ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसा संगठन होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो देश के लिए हमारे प्लान कर सके। क्योंकि विदाउट प्लानिंग अगर हम चलते हैं तो फिर हम जो टारगेट हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो क्या कर सके, प्लान कर सके। सो इसी डायरेक्शन में, प्लानिंग करने की डायरेक्शन में, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करने की डायरेक्शन में, देश की अदर पॉलिसीज, देश वो सारी चीज़ें डिसाइड करने की डायरेक्शन में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसको जस्ट एक कैबिनेट के रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया था। कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसका उल्लेख और जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जिसका उल्लेख किस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो बस बेसिक अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन का पर्पज क्या था, बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारे देश के लिए प्लान्स बना सकें, हमारे देश में जो रिसोर्स ऐसे उनको कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, उन चीज़ों के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो बना सकें, तो ये सारी चीज़ें। तो हमने जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट किया था। 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया। और ये 5 ईयर प्लान बनाने की जो हमने योजनाएं कहाँ से अडॉप्ट की थी, USSR से। तो USSR एक ऐसा कंट्री था जिसने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे देश की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, वही चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली USSR से। तो हम भी क्या करते थे, प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान्स बनाता था। हालांकि ये 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम, इसको अब स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन की जगह पर आपको पता है नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग अब देश के लिए प्लानिंग करता है और सजेस्ट करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, कब बनाया था, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया था, मार्च 1950। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्च 1950 क्यों, कैसे बनाया था, एक रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन मतलब होता है कि प्रस्ताव पास करके बनाया था, सो दैट ये क्या बना सके, 5 ईयर प्लान्स बना सकें। पंचवर्षीय योजनाएं को नाम से भी जानते हैं, 5 ईयर्स प्लान्स का मतलब होता है पंचवर्षीय योजनाएं। तो मैंने बताया था कि ये 5 ईयर्स प्लान्स वाली जो ये टेक्निक है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, हमने अडॉप्ट की है USSR से। हालांकि एक लेक्चर में मैं 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में भी बताऊंगा, आने वाले लेक्चर्स में 5 ईयर्स प्लान्स को भी एक ही बार में कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखना 5 ईयर प्लान्स कहाँ से अडॉप्ट किए हमने, USSR से। USSR ने 1930 के समथिंग सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट किया था। इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है। तो मैंने बताया था कि ये बॉडी कैसे बनाई गई थी, ये कैबिनेट का रेजोल्यूशन पास करके बनाई गई थी। कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसे इस बॉडी को बना देगा। हालांकि नीति आयोग भी सेम मैनर में बनाई गई है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो भी है। अच्छा, इसका मेन टास्क था कि टू इम्प्रूव द रिसोर्सेज आफ्टर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू प्लान इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक तो एस्टिमेशन करना, प्लान करना, उनको सही तरह से यूटिलाइज करना, ठीक है, बेटर वे में यूटिलाइज करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, सस्टेनेबल रूप से यूटिलाइजेशन करना, इसके लिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। रिसोर्सेज आपको बताइए क्या चीज़ होती हैं, एनीथिंग विच सेटिस्फाई अवर नीड्स दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार यूटिलाइज करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो इन सब की प्लानिंग के लिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। तो ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कंट्री के लिए क्या करता था, प्लान करता था, ठीक है। अब अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग कमीशन के लिए, 5 ईयर्स प्लान्स बनाना, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं ये करना, और इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना, कैसे हम रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर,
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब जो अपना रोजगार है उसके अवसर बढ़ा सकते हैं, और रिडक्शन इन डिस्पार्टीज ऑफ इन इनकम एंड वेल्थ, मतलब डिस्पार्टीज का मतलब होता है विषमता, कैसे हम जो इनकम की डिस्पार्टीज है, इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। आपको पता है कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा इनकम होती है और कुछ की बहुत कम होती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास बहुत कम है, तो इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह तो हम नहीं कर सकते बट कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो ये भी प्लान कौन करता था, प्लानिंग कमीशन। और एक ऐसी समाज इस्टेब्लिश करना है जहाँ पर समानता हो, न्याय हो और एक्सप्लोइटेशन तो बिल्कुल ना हो, एक्सप्लोइटेशन का मतलब शोषण ना हो, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, सोशलिस्टिक सोसाइटी इस्टेब्लिश करना। और विभिन्न जो अपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं देश की प्लानिंग में, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, अब बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो प्लानिंग कमीशन आपको पता ही, ये प्लानिंग कमीशन की साइट है, हालांकि अब प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया, नीति आयोग इसकी जगह पे आ गया 2015 से। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया था। अब आने वाली जो लेक्चर है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो 5 ईयर प्लान्स थे, सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स डिस्कस करेंगे, कब 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए थे, कब कब इनको ख़त्म किया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू वाज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, और जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो होता है पीएम, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरमैन होगा, इन दी सेम वे प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन होते थे प्राइम मिनिस्टर, और इनके पहले चेयरमैन बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था, 1951 में, तो इसको आप एक बार देख लेना, कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं अपने 5 ईयर प्लान्स का आने वाले लेक्चर में बताऊंगा आपको। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।